हेलो गाइस नमस्कार। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से बाइक है 38,000 रुपीज में, और ये मेरे पास में 8 GB रैम 128 वाला वेरिएंट, और ये जो कलर ये है मिंट कलर। इसको बाय करने का रीजन ये है कि ये अभी आपको मिलता है 38,000 रुपीज में। वैसे ये फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है इस सीरीज का, जो की 5560 के आसपास लॉन्च हुआ था। वैसे मैंने ऑलरेडी A55 को भी अनबॉक्स करके उसका आपको इनिशियल रिव्यू दे दिया है, जो की इसकी प्राइस भी 37,000 रुपीज है। तो दोनों की प्राइस बस 1,000 रुपए का फर्क है, ये 37 का पड़ा मुझे और ये 38 का पड़ा मुझे। और वैसे भी आपकी बहुत हेवी डिमांड थी कि इसके साथ इसको भी कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज कि ये S सीरीज का स्मार्टफोन है, ये A सीरीज का स्मार्टफोन है। ऑलरेडी S सीरीज के स्मार्टफोन डेफिनेटली बेटर होते हैं A सीरीज के मुकाबले में। देखते हैं अभी कि 38,000 रुपीज में ये जो S सीरीज का स्मार्टफोन है S23 FE, ये कितना ज्यादा बेटर है A55 से, कौन ज्यादा बेटर है, ये वाला या फिर ये वाला। करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये है S23 FE का बॉक्स जो कि आता है कंप्लीटली ब्लैक कलर के साथ में। ये थोड़ा आपको प्रीमियम फील करा के देगा, इसकी पैकेजिंग हो, बॉक्स पैकेजिंग वगैरह जो कुछ भी हो। और ये साइड में है A सीरीज का बॉक्स, यानी कि A55 का बॉक्स जो क्या था व्हाइट कलर के साथ में। तो ये थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा फील होगा, यानी कि A सीरीज का स्मार्टफोन है। इसलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, इसको साइड में रख देते हैं। ओके, तो सील ब्रेक हो चुकी है, अभी फोन को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इस बॉक्स में और एक बॉक्स देखने मिलता है जो कि सेम वही टिपिकल आपको मिलेगी, यहाँ पे चार्जिंग केबल जो कि टाइप C2C वाली होगी, लेकिन ये ब्लैक कलर के साथ में आ रही है। जनरली वाइट आती है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर में आती है टाइप C2C वाली केबल। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन है। इसकी भी पैकेजिंग थोड़ी सी आपको अलग देखने मिल जाती है। इसको हम साइड में करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये रहा हमारा बॉक्स, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है S23 FE स्मार्टफोन। ये देखिए पैकेजिंग इसकी भी आपको थोड़ी अलग देखने मिलती है, थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है A सीरीज़ के मुकाबले में। कम्प्लीटली ब्लैक है यहाँ पे भी, अंदर निकाल लेते हैं इसको बाहर। ओके, और ये बॉक्स में कुछ नहीं, इसको हम साइड में कर देते हैं, को हम कर लेते हैं। ओके, अनरैप। हाँ ओके, तो हमने इसको अनरैप कर लिया। तो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है 23 FE। ये मेरे पास है मिंट कलर, इसमें आपको मिलते हैं और दो कलर, एक है पर्पल और एक है ग्रे। मुझे पर्सनली ये मिंट अच्छा लगा है, मेरे पास वैसे पर्पल भी था लेकिन वो मुझे इतना बेटर नहीं लगा था। वैसे आपकी चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन मुझे मिंट अच्छा लगा है। और इसे अगर आप कंपेयर करते हो S21 FE के साथ में, तो ये अभी और भी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है, बिकॉज कि यहाँ पे आपको ग्लास बैग देखने मिलता है, जबकि S21 FE में था प्लास्टिक बैग। और यहाँ पे जो ग्लास है रियर में और फ्रंट में, यह है गोरिल्ला ग्लास 5। फ्रेम आती है मेटल की, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इसके लुक को और ज्यादा इन्हांस भी कर रही है। वैसे ये फ्रेम फ्लैट नहीं है जैसे कि आपने A55 में देखी होगी, ये फ्रेम आपको कर्व देखने मिलती है थोड़ी सी स्लाइटली। और यहाँ पे आपको मिलती है मैट फिनिश। वैसे इस बार फोन थोड़ा मोटा और थिक हो चुका है, कंपेयर करते हो इसे S21 FE से, तो यहाँ पे S21 FE थोड़ा स्लिम फोन था। वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसका लुक भी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में जो इन हैंड फील है वो भी कोई ऐसे बुरा नहीं लगता। फोन मोटा जरूर से है, लेकिन हाथ में बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से बैठ जाता है, क्योंकि एजेस अच्छे खासे राउंडेड है। साथ में फोन 6.4 इंच का है, तो कॉम्पैक्ट फील तो आपको लगेगा। थोड़ा यहाँ पे स्लाइटली ठीक है, और यहाँ पे इसका वेट थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है, जैसे कि इसका वेट है 211 ग्राम का। अगर आप कंपेयर करते हो S21 FE से, तो उसका वेट था 175 ग्राम का, तो थोड़ा आपको वेट ज्यादा मिलता है इसका। लेकिन हाथों में इतना कुछ ऐसे हेवी लगता नहीं है, क्योंकि सही से वेट भी इसका डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हाथों में कोई दिक्कत तो मुझे अब तक नहीं लगी। और यहाँ पे प्रीमियम फील भी होता है, और यहाँ पे स्टर्डी भी फील होता है हाथ में इसको पकड़ने के बाद में। और इसके राइट साइड में वॉल्यूम कीज और पावर की, बॉटम में स्पीकर ग्रिल चार्जिंग पोर्ट, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, टॉप में नॉइस कैंसलेशन माइक, और साइड में यहाँ पे सिम ट्रे, और यहाँ पे ड्यूएल नैनो सिम। लेकिन ये फोन ई सिम को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में आती है IP68 की रेटिंग, बिकॉज की एस सीरीज का स्मार्टफोन है। अगर ए सीरीज का होता तो वहाँ पे आपको 67 मिलती है, यहाँ पे 68 मिलती है, जो कि थोड़ी ज्यादा बेटर है 67 से। अभी हम देखते हैं इसके फ्रंट को, यानी कि डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले आप देखो तो यह है 6.4 इंच का एक 2x डायनेमिक एमोलेड का पैनल विद 120 हर्ट्ज के साथ में, और इसकी पीक ब्राइटनेस है 1450 निट्स की। तो डिस्प्ले तो अच्छा है, लेकिन जो बेजल्स है ना वो आपको थोड़े बड़े देखने मिलते हैं, साइड से भी, ऊपर भी और नीचे भी। जबकि S21 FE में आपको बेजल बहुत ही कम देखने मिलते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े बेजल बड़े कर दिए गए। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी इसकी अच्छी, बिकॉज की यहाँ पे 2x डायनामिक एमोलेड का पैनल है। मैंने इसमें HDR वीडियो प्ले किया, और क्वालिटी सेट की मैंने यहाँ पे 4K HDR, तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही स्मूथली प्ले हो रहा है, कोई यहाँ पे लैग नहीं मिल रहा है, बिकॉज की चिपसेट पावरफुल है। और जो कलर्स है या फिर डीप ब्लैक्स है वो बहुत ही सही से आ रहे हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही। क्वालिटी इसकी एक नंबर है, बस यहाँ पे जो चिन बेजल्स है अगर आप इसे इग्नोर करते हो, यानी कि कुछ समय के बाद में आप इसके यूज्ड हो जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जाते हैं
के डिस्प्ले के अंदर, मोशन स्मूथनेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, अडेप्टिव और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रखते हो तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज के ऊपर फोन चलेगा, और अडेप्टिव मतलब कि 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ये स्विच होगा। अगर आप यूज नहीं करोगे तो 60 हर्ट्ज के ऊपर रहेगा, और यूज करोगे तो 120 हर्ट्ज के ऊपर जाएगा। इससे बैटरी बैकअप के ऊपर फर्क पड़ता है, यानी कि बैटरी थोड़ी ज्यादा सेव हो जाती है। और इसके हैप्टिक्स भी अच्छे है, बिकॉज केएसरीज का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको अच्छी मिल जाती है। और नेक्स्ट में गया इसके अबाउट में सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करने के लिए, तो अभी ये फोन चल रहा है करंटली UI 5.1 Android 13 के साथ में। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट आ चुकी थी जो कि है 2774 MB की, जिसमें आपको मिलता है UI 6.0 का वर्जन विद Android 14 के साथ में। और Samsung के पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी 4 साल की मेजर OS अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी कि Android 14, 15, 16 और 17 तक के आपको इसमें अपडेट देखने मिल जाएगी। और ये S सीरीज का फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पे UI फुल्ली मिलती है, कंप्लीट मिलती है, कंप्लीट नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है विद सिक्योर फोल्डर के साथ में। यहाँ पे NFC भी है, और प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, साथ में सैमसंग डेस्क का सपोर्ट भी है, जो कि ये सिर्फ इनके S सीरीज के स्मार्टफोन में ही मिलता है, ये आपको A सीरीज में या फिर M सीरीज में नहीं मिलता। और हाँ, जो AI के फीचर्स थे S24 सीरीज में, उनमें से कुछ फीचर्स आपको इस फोन के अंदर भी देखने मिलेंगे बहुत जल्द। और बात करें इसके स्पीकर्स की, तो आपको भी मिलते हैं दो स्पीकर बॉटम में और टॉप में एक, विद डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, बेस भी अच्छा है, ट्रबल भी अच्छा है, साथ में पे लाउड भी है, क्लियर भी है। और बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी, और ये फोन सपोर्ट करता है 15W को भी, 25W को भी, लेकिन आपको बॉक्स में वही सेम अडाप्टर नहीं मिलता, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, बस आपको बॉक्स में मिलती है C2C वाली केबल। वैसे मैंने इसको अभी ज्यादा यूज किया भी नहीं है, इसको भी हम यूज करेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज की अभी मैं यूज करो एज अ प्राइमरी डिवाइस A55 को, तो इसको भी चेक करना है कि भाई ये कैसे चलता है, कैसे परफॉर्म करता है, और साथ ही में इसका बैटरी बैकअप भी कैसा है। पहले मैं इसको यूज कर लूँ, इसका एक डिटेल वीडियो आपको दे दूँ, के बाद हम इसका भी एक डिटेल रिव्यू आपको देने ही वाले कि भाई ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बैटरी लाइफ वगैरह क्या कुछ है। और बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो यहाँ पे मिलता है एक्सिनोस 2200 जो कि एक पावरफुल चिपसेट है, 4 nm के ऊपर बना हुआ चिपसेट है। इसमें आपको मिलते हैं LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी। चिपसेट तो क्लियरली पावरफुल है, और ये फील भी होता है, आप जैसे ही फोन के अंदर कुछ भी स्क्रॉल करोगे या फिर ओपन करोगे एप्लीकेशन वगैरह, तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली सब कुछ परफॉर्म होता है, कोई भी लैग जिटर्स आपको नहीं मिलता। और साथ में अगर आप हेवी टास्क भी करते हो तो ये भी उसको इजीली हैंडल कर लेगा। वैसे इसको भी हम टेस्ट करने ही वाले बिल्कुल डिटेल में कि कैसे ये परफॉर्म करता है हेवी टास्क में, और क्या इसमें कोई हीटिंग इश्यू तो नहीं है, तो सब कुछ हम टेस्ट करेंगे इसके साथ में भी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम इसे कंपेयर भी करने वाले A55 के साथ में, और साथ ही में S21 FE के साथ में भी, देखते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट टाइम बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जो कि बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड के आपको फीचर्स देता है। अब देखिए रियर में क्या है कि 50 MP का मेन कैमरा है, 12 का अल्ट्रा वाइड और 8 MP का आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। सेल्फी यहाँ पे ओनली 10 MP का। और हम जाते हैं कैमरा ऐप में, तो यहाँ पे आपको फीचर्स बिल्कुल भर भर के देखने मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोर में है प्रो फोटोग्राफी मोड, प्रो वीडियो मोड, नाइट मोड, फूड पैनोरमा, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, पोर्ट्रेट मोड और डायरेक्टर व्यू, जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हम करें तो रियर में आपको मिलता है 8K 24 FPS तक के रिकॉर्ड करने का ऑप्शन, जो कि नॉर्मली स्मार्टफोन में नहीं मिलता, जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनमें ये मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रियर के अंदर। और आप इसके रियर से और फ्रंट से 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अभी आप कुछ सैंपल देखो, तो ये कुछ सेल्फी शॉट्स है, इसमें आपको 10 MP का सेल्फी मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी जबरदस्त है। इस शॉट में डायरेक्शन मेरे चेहरे पे, लेकिन फिर भी इसने डिटेल्स या फिर बात हम करें डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर को सही से मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पे सन मेरे पीछे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी डिटेल्स, डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर को सही से मैनेज किया हुआ है। ये एक सेल्फी का नॉर्मल शॉट है, लेकिन यहाँ पे भी डिटेल्स और कलर बिल्कुल सही निकाल रहा है। और ये सेल्फी शॉट है जो कि मैंने पोर्ट्रेट में खींची हुई, तो एजेस भी सही से मैनेज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये मैंने रियल से 2x के ऊपर पोर्ट्रेट फोटो खींची हुई, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स कितनी अच्छी है। और ये नॉर्मल फोटो 50 MP के साथ में, ये भी बहुत ही सही आ रही है, डिटेल्स हो, कलर्स हो, सैचुरेशन हो, बिल्कुल ऑन पॉइंट है। तो रियर कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा हो, यहाँ पे बहुत ही सही से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आपको दोनों ही तरफ से अच्छी मिलती है, रियर से भी फ्रंट से भी। तो यहाँ पे कैमरा के लिए जो स्मार्टफोन देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब ये 4K फुटेज है 4K 60 FPS के साथ में रियर कैमरा से। ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी कुछ आपको ऐसे देखने मिल जाती है, तो ये देखिए अगेंस्ट द सन या फिर फ्रंट ऑफ द सन, यहाँ पे कैसे क्वालिटी आपको देखने मिल रही है, तो यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी है 4K 60 FPS में। वैसे आप इसमें 8K 24 FPS की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो क्लियरली ये तो मैं बोल सकता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फ्रंट से, रियर से, फोटोज हो, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी मिल जाती है इस फोन के साथ में।
नेक्स्ट टाइम बात करते हैं नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में। तो मैंने इसमें अपना जियो का सिम ऐड किया और साथ में एयरटेल को भी ऐड किया, तो दोनों के साथ मुझे प्रॉपरली 5G के सिग्नल देखने मिल रहे थे, लेकिन 5G प्लस नहीं मिल रहा था। लेकिन 5G का स्पीड जियो के साथ भी एयरटेल के साथ भी अच्छा ही मिल रहा था, कोई ऐसे इशू नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये इनके एस सीरीज का FE एडिशन के अंदर फ्लैगशिप ब्रांड का स्मार्टफोन है, जो कि आपको देता है फ्लैगशिप स्पेक्स और साथ में फ्लैगशिप फीचर्स भी। और ये स्मार्टफोन वैसे भी स्टार्टिंग में महंगे लॉन्च होते हैं, लेकिन बाद में इनकी प्राइस ड्रॉप तो होती है, और अभी प्राइस ड्रॉप हो चुके 38,000 के आसपास, तो फिर भी ये फोन मुझे सही डील लग रहा है। वैसे इसमें बैटरी बैकअप कैसा है, हीटिंग इश्यू है या फिर नहीं है, कैसे परफॉर्म करता है, कैमरा कितना बेटर है, क्या कुछ है, ये अभी सब कुछ टेस्ट करना बाकी है। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट बातें क्लियर हुई नहीं है, जो मुझे इनिशियली देखने मिला मैंने आपको सब कुछ बातें क्लियरली बता दी है। बहुत जल्द इसका भी हम डिटेल में रिव्यू लेकर के आने वाले हैं कि ये फोन कैसे परफॉर्म कर रहा है यूज करने के बाद में, साथ में डे टू डे टास्क में या फिर डेली यूज के अंदर ये फोन कैसे परफॉर्म करता है, सब कुछ बातें भी टेस्ट करना बाकी। वैसे अभी इनिशियली बहुत ही स्मूथ चलता है, क्योंकि यहाँ पे चिपसेट भी पावरफुल है, तब तक कोई ऐसे मुझे दिक्कत देखने नहीं मिली। अब देखते चेक करने के बाद में, टेस्ट करने के बाद में, कि ये फोन क्या सच में बेटर निकल के आता है इस बजट के अंदर, यानी कि 38,000 के आसपास, या फिर इससे ज्यादा बेटर A55 ही है या फिर S21 FE ही है। ओके, तो बहुत जल्दी हम इसको टेस्ट करेंगे, साथ में कंपेयर भी करेंगे, आपको सब कुछ बातें क्लियरली पता लग जाने वाली है 23 FE के बारे में। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय दोस्तों।